रियलमी यू आई 5.0 का मेजर अपडेट आने के बाद फाइनली रियलमी ने रियलमी 11 प्रो प्लस में जो सेकंड अपडेट है एंड्रॉइड 14 का वो रिलीज कर दिया है। और मुझे ये अपडेट 2-3 दिन पहले ही देखने को मिल गया था। अच्छे से इस अपडेट की जो टेस्टिंग है मैंने कंप्लीट कर ली है। आज की वीडियो में इस अपडेट का पूरा फुल रिव्यू करेंगे। इस अपडेट के अंदर रियलमी ने कौन कौन से बग्स को फिक्स किया है, क्या कुछ नए फीचर ऐड हुए हैं, कैमरा में क्या हाल है, बैटरी कैसे चलती है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बट आपका एक अभी तक रह गया, अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं देख रहा था कि चैनल के ऊपर 97% ऐसे बंदे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई प्लीज यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आपको ऐसी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलती रहेगी। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा Realme 11 Pro Plus। सबसे पहले अपडेट के वर्जन, साइज और चेंज लॉग की बात करें, वर्जन आप लोगों को 9.0 मिलता है और जो स्टार्टिंग का वर्जन है वो सेम आप लोगों को पिछले अपडेट जैसा ही मिलेगा। साइज आपको 652 MB का देखने को मिल जाता है और चेंज लॉग के अंदर कुछ नया नहीं है, वही आपको Realme UI 5.0 का चेंज लॉग मिल जाता है। लेकिन यहां पर आप लोग देखिए, जहां पर ट्रायल वर्जन लिखा आना था वहां पर कुछ उर्दू में लिखा है। और अपडेट करने के बाद मैं अगर आप लोगों को इस फोन का अबाउट फोन भी चेक करवाऊं तो यहां पर भी Realme UI 5.0 के नीचे उर्दू में कुछ लिखा आ रहा था। वैसे ये ट्रायल वर्जन था लेकिन Realme ने फटाफट अपडेट देने के चक्कर में भाई इसको इंग्लिश में नहीं किया और ये आपको उर्दू में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला बग तो आपको यही नोटिस हो जाएगा इस अपडेट के अंदर। अब इस अपडेट के अंदर Realme ने फीचर्स भी ऐड किए हैं जो फीचर्स आपको पिछले अपडेट के अंदर मिसिंग देखने को मिलते थे। फाइनली जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन को पिंच करते थे पहले आपके जो 3D विजेट्स हैं वो आपको विजेट सेक्शन के अंदर ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब फाइनली Realme ने जो प्लस का बटन है वो ऐड कर दिया है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे जितने भी आपके 3D विजेट्स हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। फ्री गेम स्नैपचैट का नया विजेट देखने को मिल गया और यहीं से आप लोगों के जितने भी विजेट्स हैं उनको आप लोग अपनी होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब अगले फीचर की बात करें तो वो फीचर आपको मिलेगा सेटिंग्स के अंदर स्पेशल फीचर्स के सेक्शन में। यहां पर आज स्मार्ट सजेशन का फीचर, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपके AOD से भी आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो। सिंपली आपने जाना है वॉलपेपर स्टाइल के सेक्शन में, AOD के ऊपर क्लिक करो, कॉन्टेक्स्ट इन्फो के ऊपर क्लिक करो, स्मार्ट सजेशन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके मोर सेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक करोगे इसको आप लोग यहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आपकी राइडिंग की जितनी भी सर्विसेज है वो सिर्फ ग्रैब ऐप में सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो आपकी फूड डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन है जोमेटो स्विगी के साथ ग्रैब को भी सपोर्ट कर रही है। तो धीरे धीरे रियलमी इन सब फीचर्स को अपडेट कर रहा है जिससे यहां पर कुछ और ऐप्स भी फ्यूचर में ऐड हो जाएंगी, आपका यूजर एक्सपीरियंस और इंप्रूव हो जाएगा। बाकी रिमाइंडर स्टाइल आपको कहा चाहिए वो भी आप लोग यहां पर सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये सब फीचर भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाएंगे अपडेट के अंदर और इनको आप लोग अपनी AOD से भी कस्टमाइज एंड जो उसकी सेटिंग्स है उनको आप लोग चेंज कर सकते हो। अगले फीचर की बात करें तो ये फीचर पिछले अपडेट के अंदर मिसिंग था लेकिन इस अपडेट में Realme ने ऐड कर दिया। मैं आपके सामने यहां पर जो साउंड रिकॉर्डर है इसको ऑन करता हूं, ऑन करने के बाद जैसे क्लोज करूंगा ऊपर एक पॉपअप देखने को मिल गया और इस पॉपअप में जैसे लॉन्ग टैप करके रखता हूं डायनेमिक आइलैंड ओपन हो गया। पहले काम नहीं करता था लेकिन अब इस अपडेट के अंदर Realme ने यह फीचर भी Realme 11 Pro Plus के अंदर ऐड कर दिया है। लेकिन आपका जो Realme का ऑफिशियल डायलर है इसके अंदर ये काम नहीं करता, मे बी आपका जो Google डायलर उसके अंदर काम कर जाए, लेकिन और जितनी भी एप्स हैं जिनकी आप लोगों को बैकग्राउंड में रन प्ले देखने को मिलता है उन सब में आप लोगों को डायनेमिक आइलैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आईफोन की तरह कुछ इस तरीके से। और इसका जो एनिमेशन है ओपन और क्लोज करने का टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही बढ़िया है, अपने हिसाब से इसको आप लोग यहां पर सेट कर सकते हो। अगर यूज नहीं करना तो यहीं से आप लोग को क्लोज करके भी चेंज कर पाओगे। अब बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे भाई क्या इस अपडेट के अंदर बैटरी हेल्थ कम हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं आपको ले चलता हूं सेटिंग्स के अंदर बैटरी सेक्शन। और Realme 11 Pro Plus इकलौता ऐसा फोन है जिसमें आपको बैटरी हेल्थ का फीचर मिलता है। तो इस अपडेट के बाद आपके फोन की बैटरी हेल्थ आपको 99% देखने को मिल जाएगी। तो मेरे इस फोन के अंदर मुझे 1% का जो बैटरी ड्रेनिंग है इस अपडेट में देखने को मिल गया। लेकिन अगर आपके फोन में 100% बैटरी हेल्थ है और ये अपडेट आया है तो अभी मत करना, थोड़ा टाइम रुक जाओ, जब तक स्टेबल अपडेट नहीं आता तब तक कोई बीटा अपडेट अपने फोन में इंस्टॉल मत करो, क्योंकि बीटा अपडेट की जो प्रॉब्लम है उसका असर आपके फोन की बैटरी के ऊपर पड़ता है और नतीजा ये रहा कि भाई जो बैटरी कैपेसिटी है वो अब 1% डिक्रीज हो चुकी है 100% से। तो इस अपडेट के अंदर आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 1-2% तक डिक्रीज हो सकती है। अब बैटरी की बात करें कि इस अपडेट के अंदर आपको बैटरी परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अपडेट के अंदर आपको जो बैटरी हेल्थ है वो 1-2% का डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। लेकिन
की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पिछले अपडेट से बेटर मिलेगी। मेरे फोन को चार्ज पर लगाया 2 घंटे 43 मिनट, यानी कि भाई 3 घंटे होने को है, लेकिन अभी अगर आप लोग बैटरी देखें तो आपको 57% देखने को मिलती है। इतना ज्यादा बैटरी रेंजिंग देखने को नहीं मिला। इसके बीच में मैंने गेम प्ले भी किया, सोशल मीडिया भी यूज किया, यूट्यूब पर वीडियो भी देखी, थोड़ा बहुत फोन को चलाया, कुछ अपने ऑफिस का काम किया, लेकिन भाई बैटरी रेंजिंग मुझे इस अपडेट के अंदर पिछले अपडेट से कम देखने को मिली। हाँ, पूरी तो अभी तक ठीक नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ हद तक रियलमी ने बैटरी रेंजिंग को फिक्स करने की पूरी कोशिश की है इस अपडेट में। रियलमी 11 प्रो प्लस में रियलमी यूआई 5.0 का सेकंड अपडेट इंस्टॉल करने की बात, फिंगरप्रिंट स्पीड की बात करें तो मैं आपके सामने फोन के ऊपर फिंगरप्रिंट लगाता हूं, एकदम से फोन अनलॉक हो जाता है, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंगल टैप के ऊपर काम करता है और जो डिले है वो बिल्कुल नहीं है और काफी एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा, स्पीड भी बहुत ही फास्ट है। रियलमी यूआई 5.0 के अंदर आपको बहुत सारी सिस्टम एप्स भी देखने को मिलती हैं और आप लोगों ने अपने फोन में थर्ड पार्टी एप्स को भी इंस्टॉल किया होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग किसी स्पेसिफिक ऐप की जो लैंग्वेज है वो चेंज करना चाहें तो वो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रियलमी ने फाइनली इस नए अपडेट के अंदर ये फीचर ऐड कर दिया है। सेटिंग को ओपन करो, एडिशनल सेटिंग ओपन करो, यहां पर आप लोगों को थर्ड या फोर्थ नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा ऐप लैंग्वेज का। आप लोग स्पेसिफिक ऐप की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, बट यहां पर कुछ लिमिटेड ऐप्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। फ्यूचर में रियलमी यहां पर इसको अपडेट करके और ऐप्स को ऐड कर देगा, लेकिन अगर आपने कैलेंडर, क्रोम, ड्राइव, फाइल, जीमेल, गूगल कीप नोट्स, मैप्स, फोन वॉल, स्पॉटिफाई, ट्रांसलेट, यूट्यूब, वाईटी स्टूडियो, इन सब के ऐप्स को लैंग्वेज जो है उनको चेंज करना है अपने फोन की लैंग्वेज को चेंज किए बिना, तो वो अबला आप लोग कर सकते हो। बेसिकली ये फीचर आपको किसी और फोन में देखने को नहीं मिलते, लेकिन रियलमी ने भाई सबसे पहले रियलमी 11 प्रो प्लस के अंदर ये फीचर ऐड कर दिया है। अंतुतु की बात करें तो अपडेट के बाद मैंने इसका प्रैक्टिकल टेस्ट किया और प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बाद जो स्कोर है 5,20,000 के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी सबके स्कोर आपको 1,00,000 से ऊपर देखने को मिलते हैं, तो नो डाउट इस अपडेट के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को पहले से बेटर देखने को मिलेगी। बाकी आगे मैंने बीजीएमआई का गेम प्ले किया तो उसको आप लोग चेक कर लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि फोन परफॉर्मेंस में कैसे परफॉर्म करता है। बाकी इस अपडेट के बाद मैंने कैमरा टेस्ट भी किया तो कोई मुझे यहां पर मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, ना ही कोई मेजर यहां पर चेंजेस कैमरा में देखने को मिले। जितने फोटोज मैंने क्लिक किए सब में आप लोगों को सेम ही कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हां जो ओवर सैचुरेशन की प्रॉब्लम थी वो इस अपडेट के अंदर रियलमी ने फिक्स कर दिया है। कोई ऐसी दिक्कत मुझे कैमरा में देखने को नहीं मिली और ना ही कोई चेंजेस आपको कैमरा में देखने को मिलेगा, तो नो डाउट कैमरा सेम वैसा जैसे पहले था वैसा ही आपको देखने को मिलता है। तो फाइनली भाई आपने गेम प्ले देखा, गेम प्ले के अंदर कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलती है, 60 FPS आप लोग कांस्टेंट इस फोन में खेल सकते हो, फोन इतना ज्यादा हीट भी नहीं किया, कोई दिक्कत आपको परफॉर्मेंस में गेमिंग में देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर बीजीएमआई में ये फोन निकाल करके दे देगा। बाकी इस अपडेट के अंदर भी रियलमी ने नोटिफिकेशन पैनल को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, सेम जैसे आपको रियलमी यूआई 4.0 में नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता था अभी भी सेम आपको इस अपडेट के अंदर वैसा ही देखने को मिलता है। जो Realme UI का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भाई, एक मेजर Android 14 का अपडेट आया लेकिन उसके अंदर भी Realme ने नोटिफिकेशन पैनल को चेंज नहीं किया और इस अपडेट के अंदर भी नोटिफिकेशन पैनल चेंज नहीं हुआ है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई Realme UI 5.0 के सेकंड अपडेट के बारे में, जिसको मैंने टेस्ट किया और जो चीजें इस अपडेट के अंदर आई थी, क्या बग्स फिक्स हुए, सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब इस अपडेट के अंदर Realme ने सिस्टम एप्स को भी अपडेट किया है, लेकिन सिस्टम एप्स के जितने भी अपडेट्स हैं वो सब आपको Realme सिस्टम एप्स अपडेट इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो मेक श्योर आप लोग ज्वाइन कर लें और यहां पर फाइल के सेक्शन में जितने भी Realme Oppo OnePlus फोन्स की सिस्टम एप्स के अपडेट आते हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो सिस्टम एप्स को आप लोग यहां से अपडेट कर सकते हो, चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी इतना इस वीडियो में, हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। तो बाय बाय, टेक केयर।